Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello all of you. आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है. आज हम लोग एक नया चैप्टर फिल्टर्स शुरू करेंगे. फिल्टर्स में ये सारे टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करने हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन है. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एकेडमिक एग्जाम में भी जो है इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे पहले फिल्टर होता क्या है, फिल्टर का क्या एप्लीकेशन है. तो बेसिकली फिल्टर आर फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिंग डिवाइस और सर्किट. यानी बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों को बहुत रेंज के फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ रहा है, उसमें से कुछ को हमको सेलेक्ट करना होता है, कुछ को हम लोगों को सप्रेस करना होता है, रिजेक्ट करना होता है. फॉर एग्जांपल टेलीग्राफी में, टेलीफोनी में, रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग में, ऑडियो एम्पलीफायर में. तो ये सब में क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट रेंज का फ्रीक्वेंसी सिग्नल आता है. तो ये काम जो सिलेक्शन का काम होता है ना, वो फिल्टर करता है. तो बेसिकली फिल्टर का डेफिनेशन क्या है कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दैट कैन ट्रांसमिट सिग्नल विद इन ए स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी रेंज. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को ये पास करता है, और जिस रेंज के फ्रीक्वेंसी को ये पास कर रहा है उसको हम लोग पास बैंड कहते हैं, और अदर फ्रीक्वेंसी बैंड को और रिजेक्ट कर देता है, सप्रेस कर देता है, और उस रेंज को हम लोग कहते हैं स्टॉप बैंड. और पास बैंड और स्टॉप बैंड को जो फ्रीक्वेंसी सेपरेट करती है उसको कहा जाता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ये तीनों ही डेफिनेशन, पास बैंड क्या होता है, एटेन्यूएशन बैंड या स्टॉप बैंड क्या होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. अब आइडियल फिल्टर कैसा होना चाहिए, तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए फिल्टर में. एक तो कि ये पास बैंड में सिग्नल को प्रॉपरली ट्रांसमिट करे विदाउट एनी एटेन्यूएशन, और एटेन्यूएशन बैंड में या स्टॉप बैंड में ये सिग्नल को कंप्लीटली सप्रेस करे, और इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो शार्प होना चाहिए. ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. पास बैंड में भी थोड़ा बहुत एटेन्यूएशन आ जाता है, और एटेन्यूएशन बैंड में भी कंप्लीटली सप्रेस या रिजेक्ट नहीं हो पाता है सिग्नल, और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है प्रैक्टिकली वो शार्प नहीं होती है. हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे कि प्रैक्टिकली किस तरह का फिल्टर का जो है ग्राफ होता है और आइडियली कैसा होना चाहिए. तो बेसिकली आइडियल फिल्टर पढ़ने का पर्पस ये है कि हमारा प्रैक्टिकल फिल्टर्स जो है वो इट शुड बी एज क्लोज एज आइडियल फिल्टर. ठीक है, आइडियल फिल्टर एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन वी शुड ट्राई फॉर एज क्लोज एज आइडियल फिल्टर. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेसिकली, तो सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस. तो हम लोगों को फिल्टर को किसी एक पर्टिकुलर सर्किट में ही जो है कनेक्ट करना होता है, जहाँ से हमको किसी पर्टिकुलर रेंज को सप्रेस करना है, किसी को हमको ट्रांसमिट करना है. जिस सर्किट में हम कनेक्ट कर रहे हैं उसके पास बैंड का इम्पीडेंस और फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड नॉट, ये दोनों मैच करना चाहिए. इससे क्या होगा कि बहुत सारे लॉसेज नहीं होते हैं और प्रॉपर ट्रांसमिशन होता है. ठीक है, पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स पहले भी बोल दिया जा चुका है कि पास बैंड में किसी तरह का एटेन्यूएशन नहीं होना चाहिए, स्टॉप बैंड में कंप्लीटली सप्रेस होना चाहिए, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो एज शार्प एज पॉसिबल होना चाहिए. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है फिल्टर की. अब क्लासिफिकेशन के बारे में आते हैं हम लोग. तो डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन आर्म इम्पीडेंस, यानी कि आपके पास सर्किट जो होगा फिल्टर का, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो सीरीज आर्म होती है, उसके इम्पीडेंस को मान लेते हैं हम Z1 से डिनोट कर रहे हैं, और शंट आर्म होता है, मतलब कुछ कंपोनेंट जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, कुछ कंपोनेंट जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल ब्रांच में. तो ये दोनों ब्रांच के इम्पीडेंसेस के रिलेशनशिप के बेसिस पे दो तरह का फिल्टर होता है. एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट के फिल्टर, और एक को हम लोग बोलते हैं एम डिराइव्ड फिल्टर. उसके बाद फ्रीक्वेंसी रेंज, किस रेंज के फ्रीक्वेंसी को वो ट्रांसमिट या सप्रेस कर रहा है, उसके बेसिस पर मेरा चार तरह का फिल्टर होता है. लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर. किस तरह का कंपोनेंट यूज किया जा रहा है फिल्टर सर्किट में. अगर एक्टिव कंपोनेंट्स लाइक ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जा रहा है विथ RC फीडबैक,
ताकि उसका कुछ अपना गेन भी हो, सम गेन इनटू द सिग्नल, तो उस तरह के फिल्टर को हम लोग कहते हैं एक्टिव फिल्टर। और अगर सिर्फ पैसिव कंपोनेंट लाइक रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर यूज हो रहे हैं फिल्टर सर्किट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव फिल्टर। पैसिव फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल होते हैं टी एंड पाई। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉन्स्टेंट के फिल्टर के बारे में। तो कॉन्स्टेंट के फिल्टर इस रिलेशनशिप को फॉलो करता है, यानी Z1, Z2, where Z1 is the सीरीज आर्म इम्पिडेंस एंड Z2 is the शंट आर्म इम्पिडेंस। ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू होगा आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रियल नंबर। ठीक है, तो जोन सा भी फिल्टर इस रिलेशनशिप को फॉलो करता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट के फिल्टर। ये चार तरह का होता है कॉन्स्टेंट के फिल्टर: कॉन्स्टेंट के लो पास फिल्टर, कॉन्स्टेंट के हाई पास फिल्टर, कॉन्स्टेंट के बैंड पास फिल्टर, कॉन्स्टेंट के बैंड स्टॉप फिल्टर। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टेंट के टाइप्स में सबसे पहले आता है कॉन्स्टेंट के लो पास फिल्टर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये लो फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को अलाउ करेगा और बाकी को रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक के, यानी कि सपोज FC की वैल्यू मान लेते हैं 3 kHz से, तो 0 से लेके 3 kHz तक के सिग्नल को अलाउ करेगा। ये इसका पास बैंड है, यहाँ पर इस रेंज में ये अलाउ करेगा और इसके बाद जो है वो स्टॉप बैंड हो जाएगा, यहाँ पे रिजेक्ट करेगा। तो ये एक आइडियल सिनारियो है कि पास बैंड में कम्प्लीटली ट्रांसमिट हो रहा है, स्टॉप बैंड में कम्प्लीटली रिजेक्ट हो रहा है या एटीन्यूएट हो रहा है, और शार्प इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। लेकिन एक्चुअली में देखिए ये है प्रैक्टिकल जो फिल्टर्स होगा वो इस तरह का होगा, यानी यहाँ पर इसका जो पास बैंड था उसके बाद ये धीरे 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 जैकेट रिजेक्ट करना शुरू करेगा, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको बोला जाएगा, जिस फ्रीक्वेंसी पर आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है सिग्नल का, मान लेते हैं ये है मैक्सिमम वैल्यू, उसका 0.707 यानी 1/√2 टाइम्स वो अगर मिल रहा है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर का ग्राफ है, और ये अल्फा जो है वो एटीन्यूएशन कॉन्स्टेंट है, इसका यूनिट नेपर या डेसिबल होता है। अच्छा, इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, पहले भी बात हो चुकी है कि ये टी कन्फिगुरेशन में या फिर पाई कन्फिगुरेशन में मिलता है, यानी इसका जो लुक होगा वो इंग्लिश लेटर टी के टाइप में होगा या फिर ग्रीक लेटर पाई के लुक में होगा। ये तो देखिए इंडक्टर को सीरीज में रखेंगे हम लोग सीरीज आर्म में, और कैपेसिटर को हम लोग रखेंगे शंट आर्म में लो पास फिल्टर के केस में। इंडक्टर के केस में जो सीरीज ब्रांच सीरीज इम्पेडेंस होता है वो ऐड होता है ना, तो L/2 और L/2 को ऐड करेंगे तो L आ जाएगा और यहाँ पर सी है। यहाँ पर देखिए ये कैपेसिटर पैरेलल में है, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में, और कैपेसिटर के केस में क्या होता है पैरेलल में ऐड होता है, तो C/2 और C/2 को ऐड करेंगे तो टोटल सी आ जाएगा। ठीक है, और इंडक्टर, तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल में L और C की वैल्यूज निकालनी होंगी और सर्किट को डिजाइन करना होगा। अब हम लोग आते हैं सेकंड केस, हाई पास फिल्टर। जस्ट लो पास फिल्टर का रिवर्स है, यानी ये बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एटीन्यूएट करेगा और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर के सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडियली कैसा होगा कि एक FC से नीचे का जो भी सिग्नल है उसको वो एटीन्यूएट कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, और FC के ऊपर यानी कि मोर देन FC को जो है वो पास हो जाएगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है शार्प नहीं होती है प्रैक्टिकली। हाई पास फिल्टर के केस में कैपेसिटर जो है वो सीरीज आर्म में आ जाएगा और इंडक्टर शंट आर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, हम जानते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है इक्वेलेंट का, C1 × C2 / C1 + C2, यानी कि हाफ हो जाएगा, तो 2C और 2C लेंगे तो C आ जाएगा, यहाँ पर इंडक्टर रहेगा L, यहाँ पर देखिए C एज इट इज है, और यहाँ पर पैरेलल में, तो पैरेलल में वही वाला फॉर्मूला होता है L1 × L2 / L1 + L2, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 2L और 2L लेंगे, तो जब हम 2L और 2L ले लेंगे तो L आ जाएगा। यानी आपको इस तरह से लेना है कि इक्वेलेंट में C आना चाहिए या इक्वेलेंट में L आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 2L लिया गया है और यहाँ पर 2C लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा,
कांस्टेंट के बैंड पास फिल्टर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक पर्टिकुलर रेंज के सिग्नल को पास करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं पहले। ये एक पर्टिकुलर रेंज को यानी F2 से लेके F1 तक के रेंज के सिग्नल को ये पास कर रहा है, उससे पहले यानी F2 से कम को भी रिजेक्ट कर दे रहा है और F1 से ज्यादा रेंज के सिग्नल को भी जो है वो स्टॉप कर दे रहा है। तो ये काम जो जो फिल्टर करता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंड पास, एक पर्टिकुलर रेंज के सिग्नल को ही पास करना है। इसके सीरीज आर्म में सीरीज ट्यून्ड सर्किट होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर जब कनेक्टेड होता है ना उसको तो ट्यून्ड सर्किट भी बोला जाता है। तो इसके सीरीज आर्म में सीरीज ट्यून्ड सर्किट होगा और पैरेलल आर्म में पैरेलल ट्यून्ड सर्किट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडक्टर है, एल लाना है। देखिए वन जो इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है सीरीज ब्रांच को, तो इसीलिए एल वन बाई टू और एल वन बाई टू एड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल वन आ जाएगा। यहाँ पर ये सीरीज में है ना, तो सीरीज के केस में C1 into C2 by C1 plus C2 का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल है यानी कि 2C1 और 2C1 का इक्वलेंट निकालेंगे तो C1 निकलेगा, तो यहाँ पर भी ठीक हो गया। L ही है तो ये L2 ले लेंगे, ये C2 ले लेंगे। यहाँ पर भी देखिए ये सिंगल था तो L1 और C1 ले लिए, कोई इशू नहीं है। अब इंडक्टर के केस में, पैरेलल के केस में क्या फॉर्मूला होता है, L1 into L2 by L1 plus L2, तो इसलिए यहाँ पर 2L2 और 2L2 लिया गया है। और ये शंट के केस में है तो शंट के केस में ऐड होता है कैपेसिटर में, तो इसलिए इसको C2 by 2 और C2 by 2 लिया गया है। तो इस तरह से ये हो गया टी कॉन्फ़िगरेशन और ये हो गया पाई कॉन्फ़िगरेशन बैंड पास फिल्टर का। अब लास्ट है बैंड स्टॉप फिल्टर, यानी कि कांस्टेंट के बैंड स्टॉप फिल्टर, इसको हम लोग बैंड एलिमिनेशन फिल्टर भी कहते हैं। तो इसका ये जस्ट रिवर्स होता है बैंड पास की, यानी एक पर्टिकुलर रेंज को ये स्टॉप करेगा, उससे कम को भी अलाउ कर देगा, उससे ज्यादा को भी अलाउ कर देगा। यानी कि जीरो से लेके एफ वन तक को ये पास कर रहा है, F2 से ज्यादा को भी ये पास कर रहा है, सिर्फ F1 और F2 के बीच के सिग्नल को, उस रेंज का अगर कोई सिग्नल आ रहा तो उसको स्टॉप करेगा, रिजेक्ट करेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पैरेलल ट्यून्ड सर्किट होगा सीरीज में, देख सकते हैं आप सीरीज आर्म में एक पैरेलल ट्यून्ड सर्किट है, सीरीज आर्म में पैरेलल ट्यून्ड सर्किट और पैरेलल आर्म में सीरीज ट्यून्ड सर्किट होगा, पैरेलल आर्म में, ठीक है, शंट आर्म में सीरीज ट्यून्ड सर्किट होगा। तो यहां पे देख सकते हैं आप L1 और L1 by 2 दोनों को ऐड करेंगे तो L1 आ जाएगा, 2C1 और 2C1 इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो C1 आ जाएगा। ये तो सिंगल था इसलिए L2 और C2 रह गया, यहाँ पर भी देखिए सिंगल था तो L1 C1 रह गया। अब 2L1 और 2L2 लेंगे तो पैरेलल के केस में L1 into L2 by L1 plus L2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये L1 हो जाएगा इसका, यहाँ पे L2 होना चाहिए ना, 2L2 और 2L2, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए ये दोनों ऐड हो जाता, C2 by 2 और C2 by 2 ले सकते हैं। तो ये टी कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये पाई कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपको चारों सर्किट याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, जैसे लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था सर्किट डिजाइन कीजिए, तो आपको सर्किट याद रहना चाहिए कि भाई इसका टी कॉन्फ़िगरेशन में कैसा सर्किट बनता है, पाई कॉन्फ़िगरेशन में कैसा सर्किट बनता है, तो आप आसानी से बना लेंगे। तो होप आपको आज की पहली वीडियो फिल्टर्स के ऊपर समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे।